अगर आप लड़कियों की ये दो कमजोरी जान जाओ तो आप उसे कंट्रोल जरूर कर सकते हो। जी जी जी, कौन से है वो कमजोरी आपको जानना है तो चलो आज हम आपको बताते हैं जिसे किसी को भी आप कंट्रोल में कर सकते हो। और सबसे जरूरी बात यार, वीडियो को लाइक कर दो। आजकल आप लोग लाइक सेक नहीं करते, ऐसा अच्छा लगता है? बोलो, नहीं लगता? अच्छा, तो वीडियो को लाइक कर दो और हम आपको बताते हैं वो दोनों कमजोरियाँ कौन सी हैं। नंबर फर्स्ट, हेल्पिंग नेचर। गर्ल्स की ये कमजोरी है कि गर्ल्स का नेचर ना हेल्पिंग होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत महंगा सा कुछ हेल्प करके, हेल्प के नाम पे गिफ्ट कर दे, लेकिन हाँ, अगर आप किसी प्रॉब्लम में हो या फिर आपको कोई चीज़ में असमंजस है कि क्या करे या नहीं करे, ऐसे में वो लड़की जिसे आप पसंद करते हो उसे आप बोल सकते हो, या फिर किसी भी लड़की पर आप ये ट्राई कर सकते हो कि लड़कियों की नेचर ना हेल्पिंग होती है। कोई चीज़ में अगर उन्हें आता भी नहीं होगा ना उस टॉपिक में, जैसे कि आप पूछ रहे हो किसी भी चीज़ में, ठीक है, कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए या नहीं, तो वो बताएगी। भले आप वो इस टॉपिक में उसे कुछ नहीं आता, लेकिन उनका नेचर होता है वो इस चीज़ को हेल्प करना चाहती है। ये एक्चुअली एक साइकोलॉजी चीज़ है जो लड़कियों के अंदर होता है, उनका नेचर थोड़ा सा हेल्पिंग होता है। यार मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ, सत्य घटना पर आधारित। मेरी एक फ्रेंड है, उसको एक लड़का पसंद करता था। अब वो लड़की ये नहीं जानती थी, वो लड़का उसे बात करने के लिए थोड़ा सा उसे हेल्प मांगा कि पता है एक लड़की है, वो मुझसे, मेरा उससे ब्रेकअप हो गया, क्या करूँ नहीं करूँ। तो वो लड़की को लगा कि इसके हेल्प करना चाहिए, मुझे सॉल्यूशन बताना चाहिए, और धीरे धीरे वो लड़की उससे बातचीत करने लगी हेल्प के नज़रिए से। और उस लड़की को तो पता ही था कि उस लड़की का पहले ऑलरेडी ब्रेकअप हो गया, तो हेल्प करते करते खुद उन दोनों रिलेशनशिप में आ गई। ये एक रियल लाइफ सच्ची घटना था। तो आप इस तरह से हेल्प मांग सकते हो, ये एक आइडिया था जो मैंने आपको दिया। आप अपनी लाइफ में भी ट्राई कर सकते हो, किसी लड़की से जिसे आपकी क्रश है उसे बोल सकते हो कि मेरा ब्रेकअप हो गया है, क्या करे नहीं करे, तो उसका जो नेचर होगा हेल्पिंग नेचर की वजह से वो आपको हेल्प करेगी और कहीं ना कहीं आपका उससे बातचीत होने लगेगा। दूसरा नंबर पर जो आता है वो है लड़कियों का इमोशनल होना। देखो, लड़कियों को वैसे बनाया जाता है बचपन से, उन्हें थोड़ा सा इमोशनली बनाया जाता है। आप देखते हो वो गुड़िया गुड़िया से खेलती है और उनसे भी लगाव होता है। लड़के उतना इमोशनल नहीं होते जितना लड़कियां होती हैं। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई लड़की लड़के को ज़्यादा धोखा दे देती है, लड़का उस चीज़ से नहीं निकल पाता है, लेकिन अब साइकोलॉजी देखो तो लड़कियां ज़्यादा इमोशनल होती है और ये उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी होती है। अगर आप कभी भी सैड हो और वो लड़की देखती है कि यार वो तो सैड है, तो वो आपको पूछती है, पूछती होगी, आपकी कोई भी फ्रेंड है, आपकी बहन है, वो पूछती होगी, क्योंकि उनका ये बिहेवियर होता है, वो उनका कमजोरी होता है। तो इस चीज़ का हेल्प आप कैसे ले सकते हो? यार अगर कोई लड़की है जो बहुत ही सैड रहती है, अक्सर आप देखोगे कोई कोई लड़की होती है थोड़ी साई रहने वाली, बहुत ज़्यादा सैड रहती है, तो आप उसे पूछ सकते हो कि क्या बात है, तुम इतना सैड क्यों हो? अब बोलेगी तुम्हें कैसे पता? तो तुम बोल सकते हो कि आपके फेस से ऐसा समझ में आ रहा है। तो ऐसे ही उसे लगेगा कि वो तो इमोशनल है, ठीक है, वो इमोशन है, और आप उससे बातचीत करने लगोगे तो बहुत ही जल्दी आप दोनों में एक अच्छा इमोशन बन जाएगा, एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाएगी। तो इस तरह से आप उसकी बातों को अपने तरफ ला सकते हो। देखो, कंट्रोल बोलने का मतलब ये नहीं कि अब इसका मतलब है कि तुम बोलोगे कि वो उठो तो उठेगी, नहीं उठो बैठो तो बैठेगी, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, बहुत तरीके से आप उसकी इमोशनली कंट्रोल तो कर सकते हो। और हो सकता है कि कोई लड़की आपको ये दोनों कमजोरी जानने के बाद अपना दिल भी दे दे, अगर आप अच्छी तरह से ये चीज़ों को यूज़ करो तो। आई थिंक ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हुई होगी, कुछ आपको फ़ायदा हुआ होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। वैसे सुनो सुनो, पहले लाइक करने मैंने बोला था, आपने लाइक किया नहीं ना, तो आप लाइक कर दो। चैनल पे पहली बार आया हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलती हूँ फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आई मिस यू।